आज पूज्य बापू, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वे बिरला मंदिर में प्रार्थना करते हुए हे राम करते हुए इस दुनिया से विदा हुए हैं। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन, उनके सत्य के प्रयोग, उनकी जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने जिस प्रकार से बेबाक टिप्पणी की है, मैं समझता हूँ संपूर्ण विश्व में इतनी बेबाक आत्मकथा लिखने का साहस कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो महात्मा गांधी थे। इसीलिए वे महात्मा कहलाए कि उन्होंने वो साहस भी किया कि जीवन में उनके जो गलतियाँ हुई, जो कमियाँ थी, बचपन में उन्होंने जो कुछ गलतियाँ करी उसको उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी रखा सत्य के प्रयोग। तो ये जो सत्य के प्रयोग है, महात्मा गांधी की जो सत्य निष्ठा थी और उसी के कारण उन्होंने जब वहाँ दक्षिण अफ्रीका में वहाँ जिस प्रकार से भारतीयों पर अत्याचार होते थे, उन अत्याचारों के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपना एक संघर्ष खड़ा किया और 1915 में लौटकर वे वापस जब भारतवर्ष में आए, तब उस समय महात्मा गांधी एक बैरिस्टर के रूप में थे। आप अगर उनको कभी देखें तो काले कोट वाला जो वो उनका परिदृश्य वो कभी नजर नहीं आता। हमने उस लंगोटी वाले बाबा को ही पूजा, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो त्याग करता है भारतीय समाज उसकी पूजा करता है, जो बहुत अलंकरण पहन के और बहुत वैभव से रहने वाले को इस भारत के समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, वो कभी व्यक्ति पूजित नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि जिसके पास वैभव धन संपदा है वह व्यक्ति बड़ा नहीं होता, जिसके पास अपना सच्चरित्र है, जिसने समाज के लिए कुछ किया, जिसने देश के लिए कुछ किया, ऐसे व्यक्ति की पूजा इस भारत की माटी करती आई है। और यही बात महात्मा गांधी के जीवन से मिलती है। और इन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरा एक भी भारतीय भूखा है, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, तो मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा। और यही एक कारण है कि वो जीवन भर एक धोती में रहे, ऊपर एक शॉल लगा लेते थे और वो उसी दृश्य को, उसी परिवेश को, उसी महात्मा जी के उस स्वरूप को हम आज पूजते हैं। जो 1915 में जब वे आए थे तो राजवे जीवराम कालिदास ने, कहते हैं कि उनको महात्मा की उपाधि दी। ऐसी एक और मान्यता के स्वामी श्रद्धानंद, जो बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे और आर्य समाज के एक बहुत बड़े संत थे, स्वामी श्रद्धानंद ने उनको महात्मा की